नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। चीन ने मुंबई में ताइवान के ताइपे आर्थिक एवं सांस्कृतिक केंद्र यानी TECC के हाल में स्थापित कार्यालय को लेकर भारत के सामने राजनयिक स्तर पर विरोध दर्ज कराया है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने गुरुवार यानी 17 अक्टूबर को एक सवाल के जवाब में कहा कि दुनिया में केवल एक चीन है और ताइवान चीन के क्षेत्र का एक अविभाज्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि चीन अपने साथ राजनयिक संबंध रखने वाले देशों और ताइवान के बीच हर प्रकार के आधिकारिक संपर्क और संवाद का कड़ा विरोध करता है, जिसमें एक दूसरे का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यालयों की स्थापना भी शामिल है। हमने भारतीय पक्ष के समक्ष गंभीर विरोध दर्ज कराया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ ने कहा कि एक चीन के सिद्धांत पर भारतीय पक्ष की ओर से गंभीर राजनीतिक प्रतिबद्धता जताई गई है और ये चीन भारत संबंधों के लिए राजनीतिक आधार का काम करती है। उन्होंने कहा कि चीन भारतीय पक्ष से आग्रह करता है कि वह अपनी प्रतिबद्धताओं का सख्ती से पालन करे, ताइवान से संबंधित मुद्दों को विवेकपूर्ण और उचित तरीके से सुलझाए, भारत ताइवान के साथ किसी भी प्रकार की आधिकारिक बातचीत ना करे और चीन भारत संबंधों को सुधारने की प्रक्रिया में बाधा डालने से बचे। भारत में TECC ने बुधवार को मुंबई में एक शाखा खोली थी, जिससे भारत में इसके कार्यालयों की संख्या 3 हो गई है। बता दें कि TECC के कार्यालय दिल्ली और चेन्नई में भी है, इसीलिए मुंबई में इसका कार्यालय खुलने से अब इसकी संख्या 2 से बढ़कर 3 हो गई है।